नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक होलीवाल, आप देख रहे हो लविंग लबर्ट चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होगे, अपने अपनी फैमिली का खूब अच्छे से ख्याल भी रख रहे हो दोस्तों, और अपने बर्ड्स का। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन वीडियो लेके आ गए हो। दोस्तों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कीजिए, उसके साइड में बेल आइकन उसको भी प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, आपके लाइक शेयर एंड कमेंट से मेरे को मोटिवेट मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो। तो आज मैं बात करूंगा दोस्तों उन सब फूड की जो कि आप बर्ड्स को गर्मी सर्दी बरसात हर मौसम में दे सकते हो, क्योंकि कई बार होता है कि बर्ड्स को उसी हिसाब से ही फूड दिया जाता है जैसा कि मौसम के अनुसार होता है। दोस्तों अगर गर्मी है तो गर्मी के लिए अलग फूड होता है बर्ड्स का, सर्दी होती है तो सर्दी के लिए अलग फूड होता है, बरसात में भी अलग फूड होता है। बट ये ऐसा फूड है जो कि आपका बर्ड्स बरसात गर्मी सर्दी जब मर्जी खा सकता है। बस इस फूड की क्वांटिटी कम ज़्यादा की जा सकती है, वो है ये सॉफ्ट फूड है दोस्तों, सबसे प्रोटीन से भरा बेस्ट फूड है, जो कि आपको ब्रीडिंग में भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, आपके बर्ड्स वगैरह भी अच्छे से ब्रीडिंग वगैरह करेंगे, क्योंकि इस ये जो फूड है वो हाई प्रोटीन का फूड है। क्योंकि बहुत से भाई सप्लीमेंट वगैरह यूज़ करते हैं बर्ड्स के लिए, कि तरह तरह के सप्लीमेंट कराते हैं, इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता जो कि नेचुरल मिल जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा जंगल वगैरह में नेचुरल बर्ड्स को हर तरह का फूड मिलता रहता है, तो उसको कोई भी सिरप वगैरह नहीं मिलता, जंगल में कौन देगा दोस्तों, इसलिए वो इन फूडों से ही अपना जितनी भी कैलोरी वगैरह होती है प्रोटीन वगैरह होती है एब्जॉर्ब कर लेते हैं खुद ही ऑटोमेटिक, क्योंकि ये जो फूड होता है ये हाई प्रोटीन फूड होता है और बर्ड्स की ब्रीडिंग के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तरह तरह के आप बर्ड्स हर बर्ड से ब्रीडिंग ले सकते हो, ये ऐसा फूड है फिंच से लेके बड़े मकाव तक आप दे सकते हो, हर तरह के बर्ड्स को आप ये फूड दे सकते हो, क्योंकि सबसे बेस्ट फूड यही माना गया है। गर्मी सर्दी बरसात हर मौसम में आप दे सकते हो, बस क्वांटिटी कम ज़्यादा की जा सकती है, क्योंकि मौसम के अनुसार ही बर्ड्स को आपने देखा होगा कि गर्मी आती है तो उसको पुदीना धनिया ठंडा फूड दिया जाता है, जिससे उनकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे, बॉडी में ठंडक फील रहे और उनको मोशन वगैरह भी ना लगे। बट ये ऐसा फूड है जो कि आप गर्मी में भी दे सकते हो, सर्दी में भी दे सकते हो, बरसात में भी दे सकते हो दोस्तों। और ये फूड ऐसा है कि ब्रीडिंग के टाइम तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि चिक्स वगैरह होते हैं उनको हैवी फूड चाहिए होता है, क्योंकि चिक्स वगैरह होते हैं वो सिंपल दाने पे मिक्स सीड पे नहीं पल सकते, क्योंकि बॉडी की ग्रोथ केवल हो सकती है सॉफ्ट फूड से, जो कि आप दिख रहा होगा एग्स वगैरह कितने क्वांटिटी में दे रखे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे जो एग्स है बर्ड्स के वो फर्टाइल होते हैं, क्योंकि मैं हाई प्रोटीन यूज़ करता हूँ दोस्तों। ये बहुत ही बेस्ट फूड है, आप ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ता, आप कोई भी बड़े आप बर्ड्स को दे सकते हो, नेसेसरी है ये फूड दोस्तों, क्योंकि ये फूड देने से ये होता है कि बर्ड्स की हेल्थ वेल्थ और एक्टिवनेस काफ़ी बॉडी में रहती है, और बर्ड्स सूखे में भी नहीं आता दोस्तों। तो ये फूड है दोस्तों, गेहूँ है इसमें, चना है जो कि प्रोटीन के लिए बहुत ही अच्छा सोर्स है, और लोबिया जिसे राजमा कहते हैं इसमें, और दो तरह के चने हैं, काबली चने हैं और ब्लैक चने हैं, जो कि चने वगैरह घोड़े वगैरह भी खाते हैं आपने देखा होगा। और ये दोस्तों भिगो के देने हैं, भिगो के देने से इसकी जो फूल जाते हैं वो बर्ड्स आराम से खाते हैं दोस्तों, इसको अच्छे से वॉश करके देना है, ताकि आप इसमें एप्पल विनेगर सीड जो एप्पल विनेगर सिरका होता है दोस्तों इस फूड में डाल सकते हो, क्योंकि कई बार ये होता है फूड में बैक्टीरिया वगैरह हो जाता है, बट ये सिरका वगैरह डालने से बैक्टीरिया मर जाते हैं दोस्तों, पानी में कई बार हो जाता है और स्मेल वगैरह भी हो जाती है, स्मेल वगैरह भी नहीं होगी। मैं भी ये यूज़ करता हूँ, आप भी ये यूज़ कीजिए। और किस तरह से देना है दोस्तों, हर वॉश करके देना है, अच्छी तरह धूप में सुखा के देना है, क्योंकि ज़्यादा गीला फूड देने से फंगस की परेशानी आ सकती है बर्ड्स में, क्योंकि ज़्यादा फूड से बर्ड्स को ये हो सकता है मोशन वगैरह भी लगने का खतरा होता है। कम क्वांटिटी में दीजिए, जितने आपके पास बर्ड्स है उतने ही आप उसी हिसाब से दीजिए, मैं भी उसी हिसाब से देखता हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा कॉलोनी में मेरे पास कितने पेयर है, कम से कम 25-26 पेयर है, अगर
उसको पेयर के हिसाब से माना जाए तो, क्योंकि मेल फीमेल कई बार कॉलोनी में ज़्यादा कम होता है, क्योंकि ये चीज़ हमारे हाथ में नहीं होता दोस्तों, केज वगैरह में होता है कि हम कितने पेयर अपने हिसाब। अपने बर्ड्स को और इनके लिए अलग से भी होती है हिमालय वगैरह की, आप वो भी दे सकते हो। मैं चिक्स वगैरह को भी फूड देता हूँ ताकि उनकी हेल्थ अच्छी रहे, क्योंकि हेल्थ अच्छी रहेगी तो जो बाहर के जो इनके फैदर होते हैं उनमें शाइनिंग आती है, क्योंकि कई बार बर्ड्स कमज़ोर हो जाता है, अंदर से बीमारियाँ घेर लेती है, तो उनके जो फैदर कलर है इतना शाइनिंग नहीं करती, बर्ड्स को देखने से एक अलग अट्रैक्ट होता है, तो समझो वो हेल्थी बर्ड्स है। और शाइनिंग वगैरह अगर बर्ड्स आपके फैदर बर्ड्स के फैदर अच्छे से शाइनिंग कर रहे हैं तो ये समझो कि आपके जो बर्ड्स है काफ़ी उनको प्रोटीन वगैरह जितने भी कैल्शियम वगैरह की ज़रूरत होती है आप उनको मिला हुआ है। तो दोस्तों मैंने कॉलोनी के अंदर दे दिया है और काफ़ी चाव से ये खाते हैं दोस्तों कॉलोनी के स्टम्प। मैं कॉलोनी के अंदर हूँ, काफ़ी बर्ड्स जिन्होंने ब्रीडिंग वगैरह करी है वो जल्दी आके आ रहे हैं, क्योंकि चिक्स वगैरह उनके चिल्लाते हैं चीखते हैं फूड के लिए, तो उनका भी हक होता है दोस्तों उनको खिलाना। और काफ़ी अच्छे से आप बर्ड्स को आप दे सकते हो, मैं भी तरह तरह का फूड देता हूँ। इसमें वीट गेहूँ होता है दोस्तों, गेहूँ होता है वीट, इसको भिगो के दीजिए अलग से, और साथ में लोबिया चना, काला चना हो गया दोस्तों और सावली चना हो गया, ये काफ़ी अच्छे फूड है। इनमें दो तीन तरह के फूड और भी ऐड कर सकते हो दोस्तों, मटर के बीज होते हैं वो भी ऐड कर सकते हो, सोयाबीन के जो सोयाबीनों के बीज होते हैं दोस्तों वो भी आप ऐड कर सकते हो अपने बर्ड्स में, क्योंकि तरह तरह के विंग्स वगैरह खिलाने से बर्ड्स को अच्छी डाइट मिलती है, अच्छी डाइट मिलेगी तो बर्ड्स अच्छी ब्रीडिंग करेगा दोस्तों, उनको ये लगेगा कि वो जंगल में ही है और हर तरह के फूड वगैरह वो खुद ही खा लेते हैं दोस्तों। जंगल में तो ये होता है, आप बर्ड्स को कॉलोनी में या केज में रखते हो तो उनको तरह तरह का फूड दोगे तो आपका बर्ड्स अच्छे से ब्रीडिंग करेगा, उनके चिक्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे से ग्रोथ होंगे, और दोस्तों कमज़ोर चिक्स हो जाते हैं ज़्यादा, उनको तरह तरह की बीमारी भी घेर लेते हैं थोड़े दिन के बाद दोस्तों, वह एक्टिव नहीं हो पाते, कई बार बीच में अचानक कमज़ोरी आने पे दोस्तों बर्ड्स में अचानक अटैक वगैरह भी आ जाता है, वो एक्टिव नहीं होते, इसका मतलब ये होता है कि उनको तरह तरह का फूड नहीं मिला, और ब्रीडिंग करने में भी दोस्तों वो गुड नहीं होते, क्योंकि बर्ड्स को जितना अच्छा फूड दोगे उतनी अच्छी ब्रीडिंग करेगा, जितना अच्छा खाएगा बर्ड्स उतनी अच्छा ब्रीडिंग करेगा दोस्तों, ये तो आपने सुना ही होगा, जैसे खाएगा वैसे ही आपको देगा, क्योंकि
बर्ड्स के जो एग्स वगैरह होते हैं उनकी क्वांटिटी उनके फूड से ही होती है दोस्तों। कैसे लगी दोस्तों वीडियो, उम्मीद करूँगा अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद जय भारत दोस्तों।